नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं डीआर पॉलिटेक्निक क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों की मांग थी कि सर आपके यहाँ जो है ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं वह किस प्रकार होती हैं, यानी ऑफलाइन क्लासेस में आप किस प्रकार पढ़ाते हैं, उसका हमें डेमो लेक्चर जो है प्रोवाइड कराइए। तो बच्चों की मांग पर ही जो है आज हम जो है यहाँ पर आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोग जो है ये हमारी डेमो क्लास होगी, जिसमें मैं आपको जो है ऑफलाइन बैच के लिए किस प्रकार पढ़ाया जाता है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की लगभग 2 से 3 लेक्चर आपको हम क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है हमारा जो है इंट्रोडक्शन, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है। तीसरा, आज हम ये भी जानेंगे इसी लेक्चर में कि जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि जो है अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं तो जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है और जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट और मिनी ड्राफ्टर को जो है ड्राइंग टेबल पर किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार फिट करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जो है ड्राइंग शीट लगाते हैं या हम सबसे पहले जो है मिनी ड्राफ्टर को फिट करते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में विधिवत तरीके से जानने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ये बेसिकली होता क्या है, ये हम लोग जानते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हम बात करें तो एक प्रकार की यह क्या है, लैंग्वेज है, यह एक प्रकार की क्या है, भाषा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो आपको भी हिंदी क्या होती है, आती है, तो हमारी भाषा आपको अच्छे से क्या है, समझ में आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई इंजीनियर क्या करता है, किसी ड्राइंग को जो है ड्राइंग शीट पर बनाता है, ठीक है, या कोई भी इंजीनियर जब किसी भी ड्राइंग को क्या करता है, बनाता है, तो वह ड्राइंग जो है किसी दूसरे कुशल कारीगर या इंजीनियर के पास क्या किया जाता है, इसको भेजा जाता है। तो वह व्यक्ति क्या करता है कि जो है जो ड्राइंग शीट उसको प्राप्त होती है वह उसको देख करके क्या करता है, समझ जाता है कि इस ड्राइंग शीट में जो है आपका क्या बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो उस कुशल कारीगर के पास जिसके पास वह ड्राइंग शीट क्या हुई थी, पहुंची थी, और जिसको पहले जिस इंजीनियर ने उसको क्या किया होगा, बनाया होगा, तो उन दोनों के बीच आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कम्युनिकेशन होने का जो माध्यम है, अगर हम बात करें यहां पर माध्यम है वो क्या है प्यारे बच्चों, ड्राइंग है। यानी ड्राइंग के माध्यम से ही जो है दोनों इंजीनियर या आप कहें एक इंजीनियर एक कुशल कारीगर के बीच क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी अगर हम देखें तो यहां पर उन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या है प्यारे बच्चों, ड्राइंग है। और यूज कौन कर रहा है, इंजीनियर यूज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक प्रकार की क्या है, भाषा है, जिसे कौन यूज करता है, इंजीनियर यूज करता है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई इंजीनियर क्या करता है, किसी ड्राइंग को बनाता है, और जब वह ड्राइंग किसी दूसरे इंजीनियर या कुशल कारीगर के पास पहुंच जाता है तो वह उसको देख करके क्या करता है, समझ जाता है कि वास्तव में इस ड्राइंग शीट में क्या बना हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो उस इंजीनियर जिसने इसको बनाया था और दूसरा जो कुशल कारीगर के पास ये ड्राइंग शीट पहुंची है, उनके बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन का जो यहां पर माध्यम है प्यारे बच्चों, वह है ड्राइंग। इसीलिए इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, क्योंकि इसे यूज कौन करता है, इंजीनियर करता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, कहने का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है
वह इंजीनियरों की क्या है, भाषा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जाना कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। अब बात आती है कि इस ड्राइंग का उपयोग क्या है। तो देखिए, ड्राइंग का अगर हम बात करें उपयोग की, तो ड्राइंग हर क्षेत्र में आता है, चाहे आप मैकेनिकल का ले, चाहे आप सिविल का ले, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का ले, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, चाहे आप ज्योमेट्रिकल ले लें, ईटीसी, मतलब तब बहुत से क्षेत्र हैं। यानी अगर हमने देखिए, हमने ये जो है ड्रेस पहन रखा है, तो इस ड्रेस की भी पहले क्या की गई होगी, ड्राइंग की गई होगी कि इसके इतने भाग तक जो है व्हाइट रहेगा, इतने भाग तक ब्लैक रहेगा। कहने का मतलब कि सबसे पहले बनाया गया होगा कि इतने डिस्टेंस तक हम क्या रखेंगे, व्हाइट रखेंगे, इतने डिस्टेंस तक ब्लैक रखेंगे। यानी सबसे पहले इसको क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, तब जाकर के ये हमारा ड्रेस क्या हुआ होगा, तैयार हुआ होगा। या अगर हम बात करें कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम देखें तो ये हमारे मार्कर में कई पार्ट्स हैं। देखिए, अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारा इसमें क्या लगा हुआ है, इसका ढक्कन है। तो सबसे पहले इसके ढक्कन की भी डिजाइनिंग की गई हो। अगर हम इसको ओपन कर दें, प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका एक पार्ट और निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए तो आप देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके तीन पार्ट हो गए। यानी सबसे पहले इनकी अलग अलग क्या की गई होगी, ड्राइंग की गई होगी। ड्राइंग करने के बाद फिर इसे क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, और बनाने के बाद फिर हम इसकी क्या करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, ठीक है। यानी इसको एक दूसरे से जोड़ते हैं। जब हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तब जाकर के ये हमारी पूरी ड्राइंग क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यूज होने वाली हर एक चीज में जो मानव निर्मित है, ठीक है, उसमें क्या है, आपकी ड्राइंग है, ठीक है। तो ड्राइंग में अब हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग का अगर हम यूज देखें तो वह जो है हर एक फील्ड में आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ड्राइंग के मुख्य रूप से कौन कौन से फील्ड हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम फील्ड की बात करेंगे, तो मैकेनिकल में मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मशीनें हैं, ठीक है, जितनी भी मशीनें हैं, आपके व्हीकल हैं, इन सब की जो भी ड्राइंग की जाती है, वह सब किसके अंतर्गत आती है, मैकेनिकल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपका जो फील्ड आता है वो आपका किसका आता है, मैकेनिकल की। दूसरा हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग का मुख्य उपयोग क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमें जो है एक बिल्डिंग बनवानी है और हमारे पास जो लैंड है वह बहुत कम है, तो अगर हम अपने आप से उसमें कोई अगर जो है क्या करते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, तो वह उतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम एक सिविल इंजीनियर को बुला करके अगर हम क्या करते हैं, उसी कम एरिया को दे दें, और कहें कि आप जो है क्या करिए, इसमें एक अच्छा सा क्या बना दीजिए, एक अच्छा सा घर ड्रा कर दीजिए, तो वह क्या करेगा, आपके उस कम एरिया में भी बहुत ही अच्छे तरीके से बना देगा कि जब आपका घर बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो कहने का मतलब वहां पर आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सिविल इंजीनियर की, ठीक है। या आप और भी चीज मान लीजिए, जैसे हमें पुल का निर्माण करना हुआ, बांध का निर्माण करना हुआ, रोड का निर्माण करना हुआ, तो इन सब की जो डिजाइनिंग करता है प्यारे बच्चों, वह किसके अंतर्गत आता है, आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्षेत्र आता है, वह आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब प्यारे बच्चों, जैसे हमने मान लीजिए घर बनवा लिया, अब घर बनवाने के बाद हमें अगला जो आवश्यकता होगी कि हम चाहेंगे कि हमारे घर में क्या हो, लाइट भी आए, तो लाइट के लिए हमें घर का क्या करवाना पड़ेगा, वायरिंग करवानी पड़ेगी। तो वायरिंग करवाने के लिए हमें सबसे पहले डिजाइन करना पड़ेगा कि कौन सा वायर कैसे जाएगा और कहां पर कितनी स्विच लगेगी। इन सब की डिजाइनिंग के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो यह हो गया आपका आवश्यकता किसकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है, वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फील्ड क्या है कि जैसे अब आपका घर भी बन गया, आप उसमें रहने भी लगे, लाइट भी आने लगी, अब चाहेंगे कि आपका जो है मनोरंजन भी हो, तो मनोरंजन के लिए आप क्या यूज करेंगे, जो है टीवी ले आएंगे, ठीक है, और फैन भी लगाएंगे, तो जितने भी आपके क्या है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब की जो डिजाइनिंग होती है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की, तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्या होता है कि जो मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों की डिजाइन करते हैं, वो आपका क्या आता है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आता है। ऐसे ही जो है ड्राइंग के क्या है और अन्य भी क्षेत्र है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे मुख्य मुख्य क्षेत्र थे उनके बारे में जाना। अब दूसरी
अब जो है ड्राइंग का महत्व हम समझते हैं। तो ड्राइंग का देखिए महत्व क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए ड्राइंग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यानी जो है यह एक सार्वभौमिक भाषा है। सार्वभौमिक भाषा इसलिए है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो वह पूर्ण रूप से अपने ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कोई भी देश जो है वह पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं है। यानी जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ कुछ चीजों की क्या होती है, अधिकता होती है। जो चीजें हमारे यहाँ अधिक होती है वह हम दूसरे देशों में क्या कर देते हैं, आयात कर देते हैं, और जो चीज हमारे यहाँ क्या होती है, कम होती है, उस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, निर्यात कर लेते हैं। तो जब भी हम ड्राइंग की बात करेंगे तो ये सभी देशों की क्या होती है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यानी जो जो लैंग्वेज यहां पर यूज की जाएगी वही लैंग्वेज दूसरे भी देशों में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ किसी चीज की अधिकता है और किसी चीज की कमी है। जब कमी है तो अगर कोई चीज हम मान लीजिए अमेरिका से इंडिया में मंगा लिए और अगर यहाँ पर मान लीजिए वह वस्तु बिगड़ गए या आपका जो है वो खराब हो गया तो उसे बनवाने के लिए हम कहां ले जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे। और मार्केट में ले जाएंगे, अगर हमारी जो ड्राइंग की लैंग्वेज है अगर सेम नहीं होगी तो यहाँ का इंजीनियर क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको जो है एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में यूज किया जाता है। तो यह है ड्राइंग की जो है महत्वता, कि जो है ड्राइंग आपका जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं कि जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले मुख्य चीज आता है कि हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो इनमें हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो हम बात करेंगे कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो आवश्यकता जो होगी हमें, सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी वह होगी आपकी ड्राइंग बोर्ड की, ठीक है। किसकी आवश्यकता होगी, ड्राइंग बोर्ड की। अब ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, कि ड्राइंग बोर्ड आपका जो है हम लोग क्या करते हैं कि जिस पर ड्राइंग शीट को लगा करके फिट करके हम ड्राइंग करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, ड्राइंग बोर्ड कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य आवश्यकता यह है कि हमारे पास एक प्लेन ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। जैसे ये आप बोर्ड हमारा देख रहे हैं, ये बोर्ड भी जो है इसकी डिस्टेंस हालांकि ज्यादा है तो आप जो है इतना लंबा चौड़ा ना लेकर के आप इससे कम लंबा चौड़ा मार्केट में आपको उपलब्ध होगा, आप वहां से ड्राइंग बोर्ड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे जो आवश्यकता होती है हमारी किसकी होती है, ड्राइंग बोर्ड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो होता है ड्राइंग बोर्ड के बाद अगर हम बात करें तो वह है हमारा ड्राइंग शीट, ठीक है। क्या होता है आपका ड्राइंग शीट, जिसे हम लोग चार्ट भी कहते हैं। तो ड्राइंग शीट क्या होता है कि जिस पर हम किसी भी वस्तु का, जब भी हम कोई वस्तु बनाएंगे तो किस पर बनाएंगे उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग शीट की, ठीक है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ड्राइंग शीट की, यानी जिस पर हम ड्राइंग को करते हैं। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है हमारा मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। क्या है आपका, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। तो ये ड्राइंग का क्या है, एक मुख्य पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये आपका मिनी ड्राफ्टर होता है। अब चलिए अगर हम इसे बात करें कि मिनी ड्राफ्टर में क्या क्या होता है, तो देखिए यहां पर आपका ये आपका मिनी ड्राफ्टर है, ये आपका क्लैंप है, इसी क्लैंप को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड में फिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका मिनी ड्राफ्टर होता है। अब मिनी ड्राफ्टर में क्या चीजें होती है ये आप समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए मिनी ड्राफ्टर में अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो मिनी ड्राफ्टर में ये आपका देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केल होता है और ये आपका क्या होता है, वर्टिकल स्केल होता है। इसके बाद इसमें देखिए एक आपका जो है चांदा भी लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि मिनी ड्राफ्टर से हम लोग हॉरिजॉन्टल रेखाएं, वर्टिकल रेखाएं और किसी एंगल पर भी अगर हमें रेखा को खींचना है तो हम किसी एंगल पर भी रेखा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें आपके एक हॉरिजॉन्टल स्केल, एक वर्टिकल स्केल और एक इसमें क्या लगा होता है, आपका चांदा लगा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं और अगर हमें किसी एंगल पर भी लाइन चाहिए तो हम किसी एंगल पर भी लाइन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं।
तो ये था आपका मिनी ड्राफ्टर। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने यहां देख लिए, एक आपका क्या था ड्राइंग बोर्ड, दूसरा आपकी क्या थी ड्राइंग शीट, तीसरा आपका क्या था मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो है वह है आपका पेंसिल। अब पेंसिल जो है, पेंसिल का ड्राइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण या अहम रोल है, क्योंकि होता क्या है कि डियर स्टूडेंट जैसे हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को अगर हम एक चाहे हमारा 3D स्ट्रक्चर हो चाहे 2D स्ट्रक्चर हो, हमें बनाना 2D पर ही होता है। अब 2D पर अगर हम सभी को एक लाइन वाला दर्शा देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए अलग अलग पेंसिल का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें, अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो है हम जो ड्राइंग में यूज करते हैं, तो जो ड्राइंग में हम लोग मुख्य रूप से तीन प्रकार की पेंसिलों का यूज करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला आपका HB होता है, इसके बाद H होता है, इसके बाद आपका क्या होता है 2H होता है। तो ड्राइंग में हम लोग मुख्य रूप से तीन प्रकार की पेंसिलों का प्रयोग करते हैं, HB, H, 2H। अब इनमें हम समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो HB पेंसिल होती है ये आपकी सबसे ज्यादा क्या होती है, डार्क होती है, ठीक है। जो HB पेंसिल होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, आपकी डार्क होती है। और जो 2H पेंसिल होती है, जो 2H पेंसिल होती है वो सबसे ज्यादा आपकी लाइट होती है, ठीक है। इन तीन पेंसिलों में वैसे अगर हम बात करें तो आपकी जो टोटल पेंसिल होती है वो 18 प्रकार की होती है, लेकिन जो हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार की, HB, H और 2L। तो जो HB पेंसिल होती है वो सबसे ज्यादा डार्क होती है, और इसका प्रयोग हम किसी भी चीज की बाहरी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अब जो 2H होता है वह इन दोनों के बीच की होता है, कहने का मतलब ना तो ज्यादा डार्क होता है और ना तो ज्यादा लाइट होता है। तो इन तीन प्रकार के पेंसिलों का यूज हम लोग करते हैं। अब 2H पेंसिल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें किसी बीच वाले भाग को प्रदर्शित करना हो, जहां पर हमें बीच वाले भाग को प्रदर्शित करना हो तो वहां पर हम लोग 2H पेंसिल का यूज करते हैं। H पेंसिल है, H पेंसिल का यूज भी हम लोग करते हैं जहां पर हमें ज्यादा डार्क चीजों को दिखाने की आवश्यकता न हो। तो मुख्य रूप से ड्राइंग में हम लोग जो है तीन प्रकार की पेंसिल यूज करेंगे, एक HB, एक H और 2H। तो ये आप तीन प्रकार की पेंसिल जरूर खरीदिए जब भी आप ड्राइंग्स को क्या करिए, बनाइए। चलिए, तो ये हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंट 1, 2, 3, 4। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा ड्राइंग बोर्ड, फिर देखा ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सर्किल भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो कंपास भी आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट नंबर 5। नंबर छह आपका जो है, आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, यानी आपके पास एक क्या होना चाहिए, चांदा भी होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें प्रोटेक्टर के बाद, आपके पास एक सिंपल स्केल भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिंपल स्केल भी होना चाहिए। इसके बाद इरेजर भी होना चाहिए, ड्राइंग अगर आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है तो उसको इरेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पेंसिल को छीलने के लिए क्या होना चाहिए, कटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके थे महत्वपूर्ण। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक डस्टर का भी यूज करते हैं। देखिए, डस्टर का जो है एक बहुत बड़ा अहम रोल है। डस्टर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक स्वच्छ रुमाल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक स्वच्छ रुमाल का। अब बात करते हैं कि स्वच्छ रुमाल हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई ड्राइंग जैसे बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद अगर वो हमारा गलत हो जाता है तो उसको हम इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे इसको जो है क्लीन कर देते हैं। होता क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, पेंसिल के पार्टिकल्स होते हैं, और जो हमारा हाथ होता है, इनके बीच जो है फोर्स के कारण आपकी जो पेंसिल की, जो आपने पेंसिल से लिखी हुई चीज होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्राइंग शीट में आपके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जब ड्राइंग शीट में वो आपके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो आपकी ड्राइंग शीट क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, और आपकी ड्राइंग देखने में भी क्या होगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो है एक स्वच्छ रुमाल का यूज करते हैं। जब हम रुमाल से क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, इरेज करते हैं, तो होता क्या है कि रुमाल और हमारे हाथ के बीच एयर गैप बन जाता है, जिसके कारण आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और आपकी ड्राइंग शीट भी क्या होती है, गंदी नहीं होती है, और देखने में क्या होता है, आपका अच्छा लगता है। तो ये हमारा था डस्टर। और नेक्स्ट आपका जो, अगर हम बात करें नेक्स्ट अगला 12 नंबर, तो 12 नंबर में देखिए हम लोग क्या करते हैं,
कि एक आपकी ड्राइंग बॉक्स भी आती है, ड्राइंग बॉक्स, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ड्राइंग बॉक्स भी मिलेगा, वैसे इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इन सब इंस्ट्रूमेंट को अगर ले चुके हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ड्राइंग बॉक्स को क्या करें, यूज करें, जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इतनी चीजें आपने क्या कर रखी है, खरीद रखी है, तो ये थे आपके, जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो ये इनके क्या थे, मुख्य, जो मुख्य यहां पर हो सकता है कि एक आगे इंस्ट्रूमेंट्स और यूज होता हो, लेकिन जितने भी मुख्य आपके, मतलब इन ये चीजें आपके पास होनी कंपलसरी है, ये चीजें आपके पास होना ही चाहिए जब आप ड्राइंग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए तो अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई मिनी ड्राफ्टर, और हमारे पास मान लीजिए मिनी ड्राफ्टर है और ड्राइंग शीट है और ड्राइंग बोर्ड है, अब हमें ड्राइंग शीट को जो है क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड पर लगाना है, तो किस प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड मतलब जो है मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड पर या जो हमारा ड्राइंग शीट है उसको किस प्रकार फिट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ड्राइंग बोर्ड को, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिट कर लेते हैं, और उसके बाद एमडी को जो है क्या करते हैं, ड्राइंग टेबल पर फिट करते हैं। तो ये एक रॉन्ग मेथड है, इससे आपकी ड्राइंग क्या होती है, बिल्कुल सीधी नहीं बनती है। तो हम करते क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो है, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास मिनी ड्राफ्टर है और हम इसी को यहां पर, इसी को मानकर चलते हैं कि ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। तो सबसे पहले हमें जो है फिट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फिट करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिट करेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग फिट करेंगे एमडी को, ठीक है। किसको फिट करेंगे, एमडी को, यानी सबसे पहले हम लोग जो लगाएंगे वो क्या फिट करेंगे, एमडी फिट करेंगे, ठीक है। एमडी फिट करने के बाद आप देखिए, जब हम लोग एमडी फिट कर लेंगे तो इस स्केल को हम यहां से, ठीक है, इस स्केल को अपने बोर्ड से आप लोग क्या करिएगा, यहां से 90 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री करने के बाद अब आप इसको क्या कर लीजिए, इसको टाइट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद देखिए ये आपका स्केल जो है 90 डिग्री हो गया। अब मान लीजिए कि ये हमारा जो है, अभी हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग ड्राइंग शीट है, अब हमें इसे को क्या करना है, इस पर फिट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस स्केल को ले आएंगे, ठीक है, ऐसे इस स्केल को ले आएंगे और यहां से क्या करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ा है प्यारे बच्चों, तो हम थोड़ा सा जो है आपको कोई दूसरी वस्तु लेकर बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जो है ये आपका ड्राइंग शीट है, तो आप क्या करेंगे, यहां से ड्राइंग शीट को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और रखने के बाद आप इधर से और फिर इधर से दोनों तरफ से सीधा करेंगे। पहले इधर 90 डिग्री करिए, यहां टेप लगा लीजिए, ऊपर से 90 डिग्री करिए, यहां टेप लगा लीजिए, और ठीक है, फिर इसके बाद हटा करके एक टेप आप यहां लगा सकते हैं, एक टेप यहां लगा लीजिए, और फिर जब आप तीन टेप फिक्स कर लेंगे तो चौथा टेप आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या फिट करना है, सबसे पहले आपको मिनी ड्राफ्टर फिट करना है ड्राइंग बोर्ड पर। मिनी ड्राफ्टर फिट करने के बाद इसको 90 डिग्री करना है, 90 डिग्री करने के बाद फिर आपको क्या फिट करना है, ड्राइंग शीट फिट करना है। अगर इस तरीके से आप क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट को फिट करते हैं, तो आपका जो ड्राइंग आप उस पर बनाएंगे उसके जो है परपेंडिकुलर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। अन्यथा अगर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ड्राइंग शीट को लगा देंगे और बाद में एमडी फिट करेंगे, तो आपकी ड्राइंग जो है तिरछा होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक शेयर करें। तो ये आज हमारा था, ये डेमो क्लास 1 था, अब हम लोग जो है अभी डेमो क्लास 2 में जो है हम देखेंगे कि जो है जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा ड्राइंग सिस्टम क्या होता है, यानी कैसे किसी भी ड्राइंग को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों, तब के आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।